खबर दौसा के सिकराई से है, जहां गर्मी में पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए जलदाय विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। जलदाय विभाग ने गांवों में खराब पड़े हैंडपंप ट्यूबवेल्स की मरम्मत कार्य के लिए दो दो मेंटेनेंस टीम बनाई है। दोनों मेंटेनेंस टीम गांवों में जाकर हैंडपंप और ट्यूबवेल्स की मरम्मत कर रही है, जिससे लोगों को गर्मी में पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले तो हेडपम्प रिपेयरिंग के लिए दो टीमें लगा दी है, एक गीसगढ़ में काम कर रही है और एक सिकराई में काम कर रही है। इसमें जो भी हेडपम्प खराब होंगे सबको बोल रखा है कि उसी दिन हेडपम्प उनको ठीक करके देना है। इसके अलावा कोई भी अगर ट्यूबवेल अपना खराब हो जाता है तो उसका मोटर या स्टार्टर जो भी खराब हो जाता है उसको हैंड टू हैंड ठीक करने के लिए दो टीमें लगा रखी, गीसगढ़ में और सिकराई में। इसके अलावा सारे हमारे JNs ANs और मेरा फोन हमेशा चालू है, कहीं से भी कोई भी समस्या आती है तो उसको हम तुरंत प्रभाव से हम सही कर रहे हैं। गर्मियों को देखते हुए हमने सारी तैयारियां विभाग ने कर ली है, कहीं ऐसी समस्या हम होने नहीं देंगे कि हमें पानी की कोई दिक्कत है। प्लस जल जीवन मिशन का कार्य अभी चल रहा है, 60 गांवों में हमें कार्यादेश मिल चुका है, 60 गांवों का कार्य हमारा अभी चल रहा है वर्तमान में, जिसमें हमने ट्यूबवेल का कार्य लगभग सब जगह चालू कर दिया है। गर्मियों को देखते हुए हम पूरा सतर्क हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे आम जनता को किसी को भी पानी की समस्या नहीं हो।